अरे सौरभ जोशी, सौरभ जोशी फोटो खींच लो, फोटो इधर आओ। लड़के वड़के आते हैं वो मतलब भीड़ में धक्का मुक्की करने लग जाते हैं, खींचने लग जाते हैं, या फिर सोसाइटी के बाहर आते हैं काफी लोग, मतलब गालियां वाले देने जाते हैं। और उससे बड़ा शौक तब लगा जब मैंने सोशल मीडिया पे सीधा गौरव के पिक्चर्स देखे विद पुलिस दैट ही वाज अरेस्टेड। मेरे को लग रहा है मेरे को घर चेंज करना पड़ेगा, या तो ऐसी जगह पे, फिर मैं दिखाऊंगा ही नहीं बिल्कुल भी, ना गली भी नहीं दिखाऊंगा अपनी। मैं ओपनली व्लॉग करता हूँ ना, तो सबको पता है मेरा घर कहाँ है। सौरभ जोशी करेंटली इंडिया के सबसे बड़े ब्लॉगर है विद 16.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। सौरभ जोशी की मंथली व्यूज 300 मिलियन से भी ज्यादा है, और अगर हम मिनिमम आरपीएम लेके भी इनका मंथली यूट्यूब रेवेन्यू निकाले तो वो अप्रॉक्स 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के आसपास बनता है। सौरभ जोशी अप्रॉक्स 2 करोड़ रुपए मंथली सिर्फ YouTube रेवेन्यू से कमाते हैं। और सौरभ जोशी सिर्फ अकेले नहीं है, इंडिया में करेंटली और भी बहुत सारे डेली ब्लॉगर्स हैं जिनके मिलियंस में व्यूज आते हैं। सो हमें लगता है कि ब्लॉगर्स की लाइफ कितनी अच्छी है, सिर्फ उन्हें एक 10 मिनट का वीडियो डेली अपलोड करना है और उसके बदले उन्हें ढेर सारे पैसे मिल रहे हैं, और साथ में वो पॉपुलर हो रहे हैं, उन्हें फेम मिल रहा है। बट रियलिटी कुछ और है। इन चीजों को पाने के लिए डेली ब्लॉगर्स को कुछ चीजें भी सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। ब्लॉग्स जिसे हम रियल समझते हैं, जो भी चीजें ब्लॉग में हो रही होती है, हमें लगता है कि हमारे फेवरेट यूट्यूबर भी सेम उसी तरीके की लाइफस्टाइल रियल लाइफ में भी जीते होंगे, बट ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द ब्लॉग्स आर फेक। कैसे पॉपुलर होने के बाद डेली ब्लॉगर्स की जो प्राइवेसी है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, और डेली ब्लॉगिंग से कैसे ब्लॉगर्स की प्राइवेट लाइफ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। कैसे ब्लॉगर्स के जो सब्सक्राइबर होते हैं वो उनको अपना फैमिली का हिस्सा मान लेते हैं, उनसे इतना ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं कि जब रियल लाइफ में मिलते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होती है, और जब वो एक्सपेक्टेशन रियल में मिलने पे मीट नहीं होती है, सब्सक्राइबर्स के साइड से ब्लॉगर को अनरियल हेट दिया जाता है। मैं कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब इतना नेम फेम, इतने लोग मिलने आएंगे। मेरे को नेम और फेम के लिए मैं यूट्यूब पे आया ही नहीं था, और आज देखो मतलब क्या क्या हो रहा है। मैं रियल लाइफ में ऐसा हूँ ना, फैमिली के साथ में रहने वाला, घूमने फिरने वाला, ट्रैकिंग, पहाड़ों पे घूमना। ओके, सो इन दिस वीडियो वी आर अबाउट टू डिस्कस द डार्क साइड ऑफ डेली ब्लॉगर्स। और हाँ, ये हिप हॉप कॉन्टेंट नहीं है, मुझे पता है, और अगर तुम हिप हॉप कॉन्टेंट के लिए आए हो तो ये वीडियो तुम स्किप कर सकते हो, ठीक है, तुम्हें अगले दिन लाइक कल जो है हिप हॉप कॉन्टेंट देखने को मिल जाएगा। सो अगेन, एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, इंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है फॉर श्योर। तुम कुछ ना कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो से, इंटरटेन होके जाओगे। वीडियो को लास्ट से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। सोने का सिक्का हूं, हुकुम का इक्का, बेगम दीवाने की दीवाना दिल का, दिल की ख्वाहिश है जान ले, मेरा कहना भी मान ले। सो भाई के साइड से हमें एक बहुत ही प्यारा कमर्शियल ट्रैक देखने को मिला है। ओवरऑल लाइक वीडियो प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, अगर हम गाने की प्रोडक्शन देखें तो वो भी बहुत अच्छी है, बहुत सही काम है। सो मैंने गाने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक पे क्लिक करना और भाई की कमेंट में जाकर ड्रॉप कर देना तो रैप बॉट के चैनल से आए हो। रैप बॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है, भाई बहुत सही काम कर रहे हैं, सपोर्ट डिजर्व करते हैं, जाओ और भाई को सपोर्ट करो। जितने भी यूट्यूबर्स यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हैं वो पैसों के लिए बनाते हैं, देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस, बट अगर कोई यूट्यूबर ऐसा बोल रहा है कि वो यूट्यूब पे पैसों के लिए नहीं है, बहुत ज्यादा चांसेस है ही इज लाइंग। सो पैसे तब आएंगे जब वीडियो में व्यूज आएगा, और व्यूज तब आएगा जब वीडियो इंटरटेनिंग होगा, और इसी चीज को फॉलो करते हुए अपने वीडियो या फिर ब्लॉग्स को इंटरटेनिंग और एंगेजिंग रखने के लिए ब्लॉगर्स जो है वो फेक चीजें, फेक लाइफस्टाइल या फिर स्क्रिप्टेड ब्लॉगिंग करते हैं। सो कुछ ऐसे ब्लॉगर्स होते हैं जिनके वीडियोस देख के तुम पता कर सकते हो कि ये स्क्रिप्टेड है या फिर फेक है। फॉर एग्जाम्पल, वो अपने वीडियो में रेंटेड कार दिखा रहे होते हैं ये बोल के कि वो उनका रियल कार है, या फिर पेड एक्टर्स को अपने ब्लॉग में एड कर देते हैं जिसकी वजह से ब्लॉग और भी ज्यादा एंटरटेनिंग बन जाए। ओके, सो तुम्हें लग रहा होगा कि ये जो काम है ये सिर्फ कुछ ही ब्लॉगर्स करते हैं, इंडिया के टॉप ब्लॉगर्स या फिर तुम्हारे फेवरेट ब्लॉगर ऐसा काम नहीं करते, और उनका जो ब्लॉग होता है 10 मिनट 15 मिनट का वो 100% रियल होता है। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है, यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। सो चलो फिर से हम सौरभ जोशी या फिर फ्लाइंग बीस्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। ये लोग हर दिन एक ब्लॉग अपलोड करते हैं जिसका लेंथ होता है अप्रॉक्स 10 मिनट। सो अगर तुम इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि उनके लाइफ में 24 घंटे में जो चीजें हुई है
उसका सिर्फ 10 मिनट हमें ब्लॉग्स में दिखाया जाता है। और ये सोशल मीडिया की टेंडेंसी है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या फिर यूट्यूब, हम लोगों को वही चीज दिखाते हैं जो हम दिखाना चाहते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम वो हमारे दिन की सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग या फिर हैप्पी चीजों में से एक होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेम डे तुम लोगों की तुम्हारे पेरेंट्स के साथ बहस हो जाती है और उसी दिन तुम अपने फ्रेंड के साथ हैंग आउट करने भी जाते हो, तो चांसेस ये है कि तुमने जो अपने पेरेंट्स के साथ बहस किया है उसके बारे में तुम सोशल मीडिया पे नहीं बताओगे, बट जो तुम फ्रेंड के साथ हैंग आउट कर रहे हो उसके बारे में तुम ट्विटर पे ट्वीट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे एक बढ़िया सी पिक्चर डाल सकते हो। और यही चीजें ब्लॉगर्स भी करते हैं, वो वही चीजें हमें दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। सो अगर कोई कपल ब्लॉगर है या फिर कोई फैमिली ब्लॉगर है तो वो बहुत ही रेयरली लड़ाई करते हुए या फिर आर्ग्यू करते हुए ब्लॉग में नजर आएंगे, क्योंकि वो चीजें हमें कभी नहीं दिखाई जाती। हमें सिर्फ 24 घंटे में से 10 मिनट दिखाया जाता है, वो 10 मिनट उनके दिन के जो सबसे ज्यादा इंटरटेनिंग है, सबसे ज्यादा इंगेजिंग है, जो उन्हें सबसे ज्यादा व्यूज ला के देगा, और जब व्यूज आएंगे तो ही पैसे आएंगे। तो जब भी कोई ब्लॉगर पॉप होना स्टार्ट होता है, उसे नया नया फेम देखने को मिलता है, स्टार्टिंग में वो चीजें बहुत ही अच्छी लगती है, लोग तुम्हें रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं, तुम्हारे साथ सेल्फियां ले रहे होते हैं। पर धीरे धीरे जैसे ब्लॉगर्स की सब्सक्राइबर बेस इंक्रीज होने लगती है, सब्सक्राइबर्स उनसे कनेक्ट होने लगते हैं, यही चीजें ब्लॉगर्स के लिए नाइटमेयर बन जाती है। वो प्राइवेट प्लेस में नॉर्मल लोग के जैसे नहीं घूम सकते, जैसा एक साल पहले था वैसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब बाहर जाते हो बहुत मिस करता मिस करता हूँ वो लाइफ, जैसे मतलब फेम जा के रहे साथ हैं, पैदल वैदल घूम रहे हैं, मतलब 5-5 किलोमीटर तक पैदल चले आते थे भाइयों के साथ में, ऐसी कहीं भी अब नहीं जा सकते, अब मतलब गाड़ी के बिना निकल नहीं सकते। कुछ ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं जो कि मतलब डर लगता है, ऐसा भी कुछ चीजें हुई हैं जहां लगा कि ये क्या हो गया, जो कि कैमरे पे नहीं है बट हाँ डर तो लगता ही है। जैसे मॉल वॉल में जाते हैं कई बार, लड़के वड़के आते हैं वो मतलब भीड़ में धक्का मुक्की करने लग जाते हैं, खींचने लग जाते हैं, या फिर सोसाइटी के बाहर आते हैं काफी लोग, मतलब गालियां वाले देने जाते हैं। और मॉल्स में एंड इवन रोड्स में उन्हें अपने सब्सक्राइबर्स की भीड़ देखने को मिलती है। सो ब्लॉगर्स के जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो उनका ब्लॉग डेली देखते हैं, और डेली देखते देखते वो ब्लॉगर्स को अपनी फैमिली का हिस्सा मान लेते हैं। तो उन्हें लगता है कि जब वो उनसे रियल लाइफ में मिलेंगे तो वो उनसे बातें कर पाएंगे, उनके साथ फोटो क्लिक करवाएंगे, हैंग आउट कर पाएंगे। सो कुछ केसेस में ये पॉसिबल भी हो जाता है, बट बहुत सारे केसेस में ब्लॉगर ऐसा नहीं करते हैं, वो अपने फैंस या फिर सब्सक्राइबर्स से इंटरेक्ट करने को मना कर देते हैं, और इसके बाद ब्लॉगर्स को अनरियल हेट दिया जाता है। सो अगर तुम यूट्यूब में किसी भी ब्लॉगर, फॉर एग्जाम्पल मुंबई कर निखिल, सौरभ जोशी, फ्लाइंग बीस या फिर किसी भी पॉपुलर ब्लॉगर के आगे एक्सपोज वर्ड डाल दोगे और सर्च करोगे, जहां पे ऐसे ही फैंस जो उनके घर के सामने वेट कर रहे होते हैं अपने फेवरेट ब्लॉगर से मिलने के लिए, उनके साथ फोटो क्लिक कराने के लिए, और जब उनके फेवरेट ब्लॉगर उन्हें इग्नोर कर देते हैं, ये लोग उनके ऊपर गुस्से में एक्सपोज वीडियो बनाते हैं। एंड दिस इज नॉट इट, उन्हें डीएम्स में भी गालियां दी जाती है, और यहां तक कुछ लोग उनके फैमिली के बारे में भी उल्टी सीधी बातें करते हैं। इंडिया में करेंटली ब्लॉगर्स ढेर सारे पैसे कमा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है, फैंस उनके लिए पागल है, बट इसके लिए उन लोगों को एक सबसे बड़ी सैक्रिफाइस करनी पड़ी है, जो है उनकी प्राइवेसी। ब्लॉगर्स के डेली ब्लॉगिंग की वजह से उनका बहुत ज्यादा प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑनलाइन लीक हो जाता है, उनके घर का एड्रेस, उनके गाड़ी का नंबर, उनका रिलेशनशिप स्टेटस, फैमिली वालों की डिटेल्स, रिश्तेदारों के एड्रेस और भी बहुत कुछ। और इसकी वजह से अगेन ब्लॉगर्स को बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स तक को बाहर निकलने में प्रॉब्लम होती है। ब्लॉगर्स अगर कहीं अपनी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके गाड़ी का पीछा किया जाता है, अगर बाई चांस उनका कहीं लोकेशन रिवील हो गया तो वहां पे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। और हम सब्सक्राइबर या फिर हम ऑडियंस को ब्लॉगर्स की लाइफ बाहर से जितनी अच्छी लगती है, अगर हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चीजें बहुत ही ज्यादा मेस्ड अप है। ये जो भी चीजें मेरी लाइफ में हो रही है, मैं नई नई एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, इतना नेम, इतना फेम, इतने लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, उसमें कुछ लोग खराब भी मिलते हैं, कुछ लोग बदतमीजी करते हैं, तो उसकी वजह से पुलिस भी आती है, उसकी वजह से अभी पता नहीं और क्या क्या देखने को मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा क्राउड था वहाँ पे, गाड़ी से मैं निकल भी नहीं पाया। भाई 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 उतर कैसे हो?
ओके सो दिस वाज इट, दिस वाज द डार्क साइड ऑफ डेली ब्लॉगर्स. अगर तुम इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला, तुम एंटरटेन हुए, डू लेट मी नो इन द कमेंट. अगर तुम चैनल पे पहली बार आए हो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल. चैनल को पहले इसलिए भी देख रहे हो, अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने भाई को सपोर्ट करो. इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, और भी बहुत सारे लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, हर जगह पे सपोर्ट कर सकते हो. सो दिस वॉज इट, दिस वॉज द वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक्स अगेन.